के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कहते हैं जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं वो पाप से बच जाते हैं। अन्न यज्ञ से बचा हुआ अन्न कैसे होता है, जैसे यहां पर पूर्ण परमात्मा कबीर जी को इष्ट रूप में पूजा जाता है, उसके नाम परमात्मा के निमित्त भोग लगा जाता है, उस भोग के बाद उनका भोग निकाल करके शेष बचे हुए अन्न को पुण्यात्माओं में वितरित किया जाता है, भंडारा रूप में भी और प्रसाद वैसे प्रसाद रूप में भी। परमात्मा को पहले भोग लगा जाता है, उस शेष बचे हुए अन्न को प्रसाद को पुण्यात्मा वही खाती हैं जो यहाँ पर आते हैं, वही पापों से बचते हैं क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं। शास्त्र अनुकूल साधक के जानबूझकर पाप करने नहीं होते, आगे पिछले तो सभी माफ हो जाते हैं, पिछले तो सभी अपराध अक्षमा हो जाते हैं, भविष्य में आगे आने वाले हम जानबूझकर तो करेंगे नहीं, जानबूझ के करेंगे तो हमारे नामखंड हो जाएगा, फिर आपके ऊपर वही फिर टट्टू सा लग जाएगा, दोनों कर्म फिर शुरू हो जाएंगे, और अनजानपने में पाप हो जाते हैं, उनको भी माफ परमात्मा कर देता है। तो क्या लिखा है कि आप यहां जो आते हैं वो शास्त्र अनुकूल साधक हैं, और शास्त्र अनुकूल साधक ही इस परमात्मा के पूर्ण परमात्मा के भोग लगने के बाद शेष बचे हुए अन्न को खाते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हो, और आप ही उन पुण्यों से बचे हुए शेष उन पापों से, आप उन पापों से बचे हुए शेष उन पापों से नहीं बचे हुए, क्योंकि प्रथम तो साधना करते नहीं, कुछ करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, वो भी व्यर्थ है। अब 14-15 मंत्र में तीसरे अध्याय के में निर्णायक ज्ञान दिया है, ये ध्यान से पढ़ें। अध्याय नंबर 3 का श्लोक 14 और 15 को इकट्ठा ही अनुवाद किया है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है वर्षा, और यज्ञ शास्त्रानुकूल साधनों से ही, यज्ञ विहित यानी शास्त्रानुकूल कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं, दूसरे बगैर शास्त्रानुकूल किए हुए वो साधना ठीक नहीं होती। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं, और कर्म समुदाय को तुम यकीन होने यहां गड़बड़ कर रखी है, ब्रह्मो उद्भवम यहां लिखना चाहिए था, ब्रह्म से उत्पन्न हुए कर्म जो यहां हमने करने पड़ रहे हैं ये ब्रह्म से उत्पन्न हुए, ब्रह्म ने लगाए, काल ने, और ब्रह्म का अर्थ इन्होंने वेद कर रखा, नहीं ये बिल्कुल गलत किया है, यहां लिखना था ब्रह्म को आप अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, जिस इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में जिसके विषय में कहा है, वो परम अक्षर परमात्मा है, सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित मुख्य। इसमें यह स्पष्ट कर दिया कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, और वर्षा जो है शास्त्र अनुकूल धर्म पूर्ण करने से होती है, और यहाँ हम इस काल के लोक में आएंगे तो कर्म करना ही पड़ेगा, सतलोक में जाने के बाद हमें निष्कर्म सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वहाँ कोई कर्म नहीं करना होता, उस निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, सतीति को प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ कर्म करने पड़ेंगे, तो ये कर्म यहाँ करने पड़े, और ये कर्म का विस्तृत यहाँ कर्म हमारे क्यों लगे, क्योंकि हम काल के गेल यहाँ पर आ गए, और काल ने ही यहाँ कर्म लगाए, करोगे तो पेट भरोगे ना तो भूखे मरोगे, इसने ऐसा नियम बनाया, तो हमने कहते हैं ये काल ने ब्रह्म ने ये ब्रह्म से ये कर्म उत्पन्न हुए, इस काल के लोक में आए तो ये शास्त्र अनुकूल कर्म हमें करने पड़े, और कहते ब्रह्म की उत्पत्ति हुई उस अक्षर परम अक्षर ब्रह्म तय,
गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म, और वही परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म ही वह है। इससे ये सिद्ध होता है कि वो सनातन यानी सर्वव्यापी परमात्मा, सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापक परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, यानी उसी को इष्ट मानकर, मुख्य मानकर, जड़ उस जड़ की पूजा करी की जाती है, उसको इष्ट रूप में मानकर उस परमात्मा को पूजा जाता है। फिर ये वो हमारा शास्त्र अनुकूल किया हुआ पुण्य इन देवताओं के पास जाता है, हमारे शुभ संस्कारों में लिख दिया जाता है, और हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश के अंतर्गत हैं, फिर उस पुण्य को ये हमें देते हैं। अब इस प्रकार अब कोई कहे कि तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को आपके गुरुजी ऐसे कहते हैं वैसा कहते हैं, हम जैसे का तैसा कहते हैं। आप उनकी महिमा, एक हरियाणा के मंत्री की महिमा कोई प्रधानमंत्री करके कह रहा हो तो बुद्धिमान व्यक्ति उसकी बात से सहमत नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हम, आप कह रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, सर्वेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है और ये सर्वेश्वर हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम कहते हैं नहीं, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं, इनके पिता माता भी हैं, ये जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये अविनाशी नहीं हैं, नाशवान हैं, क्योंकि ये हमारे सदग्रंथों में और इनके इतिहास में प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपके लोक वेद के आधार पर बात करते हो, लोक वेद माने सुना सुनाया ज्ञान जो यथार्थ ना हो, लोक वेद के आधार पर आप इन्हें सर्वेश्वर कहते हो, महेश्वर कहते हो, मृत्युंजय कहते हो, लेकिन वेद ज्ञान सबसम वेद के ज्ञान के अनुसार और इनके इतिहास में लिखे हुए ज्ञान के अनुसार ये अविनाशी नहीं है, नाशवान है। अब हमने, आप देखिएगा, इन्होंने कहा कि ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, ये न्याय संगत नहीं है, अनुचित है। ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, प्रभु होता है, और वेद का अर्थ है उस ज्ञान, उस प्रभु के विषय में जानकारी, उसका विधान। एक संविधान होता है, एक राजा होता है, राजा को संविधान नहीं अर्थ किया जा सकता, क्योंकि राजा अलग है और संविधान उसका नियम कानून है। और जो वेद को, जो राजा को कहे ये राजा का अर्थ विधान लिख दे संविधान, तो वो परिचित नहीं, अज्ञानी व्यक्ति है। ऐसे ही इनको तत्वज्ञान था ही नहीं, अनुवादकर्ताओं ने गड़बड़ कर दी, लेकिन मूल संस्कृत बिल्कुल सही है। अब हम जो आपको बताना चाहते थे कि साधना हम ठीक ना करके अपना काम बिगाड़ बैठे, हम साधना ठीक ना करके अपना ये कर्म बिगाड़ दिया, हमने हमने पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए थी वो नहीं की। आदरणीय संत गरीबदास साहेब जी जब परमात्मा से परिचित हुए, प्रभु कबीर जी स्वयं आकर के उनको सतलोक लेकर गए, वहां से फिर उनकी आत्मा को वापस शरीर में छोड़ा, पीछे उनको मृत जान करके उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी गई थी गरीबदास जी के शरीर की। फिर वापस आए तो उनको शमशान घाट से उठाकर लाए थे। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा का आंखों देखा हाल वर्णन किया है। जिंदा मौला मालिक मेरा, हम सत साहेब जान्या रे, जिंदा मौला मालिक मेरा, हम सत साहेब जान्या रे, गगन मंडल गुलजार गलीचा, पेख्या रवि खिल खाना रे, खालिक मालिक है महबूबम, है निर्गुण निर्वाणा रे, अलख अलह अलेख अवगत रूपम, सबद अतीत पिछाणा रे, सबद अतीत रंगे रस भीना, अनरागी निजता नारे, अरस खुर्दनी लगी खुमारी, अमी मार सिखाना रे, सबद समाध लगी अमरापुर, कर सत लोक पियाना रे, सबद अरूप मनूर जहूरम, कादर पर कुर्बाना रे, यो जग बंधा भौजल फंदा, समझे नहीं विज्ञाना रे,
जिन 14 तप करचे छन माही धरे जमी असमाना। पांच तत्व की गुदरी की निसर्जे पिंड और परानारे, दास गरीब मेहर सतगुरु की शब्द शब्द समानारे। अब गरीबदास जी कहते हैं वो जिंदा मालिक मौला मेरा, जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी आकर के गरीबदास साहेब जी को मिले थे। तो वो कहते हैं वो हमने सत साहेब जाना रे, सत साहेबा ने अविनाशी परमात्मा को हमने जाना है और उसका गगन मंडल गुलजार गलीचा सतलोक में उस परमात्मा का बहुत सुंदर स्थान है। फिर क्या बताते हैं, ये दृष्टि पड़े सो दोखारे, कहते जो तुमने ये दिखाई दे रहा ना इस पिंड और ब्रह्मंड में और जो भी ये लोग यहां दिखे ये सब धोखा है, ये सब नाशवान है। दृष्टि पड़े सो धोखारे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे ये थिर ना रहसी लोकारे, थिर ना रहसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर यो सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा कोई बिरला साधु पावे रे। भाई रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर और सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद न्यारा कोई बिरला साधु पावे रे। रग यजु श्याम अथर्वण ये चारों वेद चित भंगी रे, सब सम वेद बाचे साहेब का सो संत सत्संगी रे। अब क्या निर्णय दिया है, रग यजु श्याम अथर्वण ये चारों वेद चित भंगी रे, सब सम वेद बाचे साहेब का सोहनसा सत्संगी रे। ये चारों वेद तो चित भंगी हैं, ये कहते हैं पता नहीं, कोई कहता है ऐसा है भगवान, कोई कहता है न्यू है, इन्होंने अपने आप जो छोरी बनाई है। और लास्ट में ये खुद कह देते हैं वो परमात्मा तो किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, यानी पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये भी चित भंग करने वाले भ्रमित करने वाले ही है, पूर्ण ज्ञान नहीं रखते। और फिर क्या बताया है, रग यजुर और श्याम अथर्वण ये चारों वेद चित भंगीरे, सब सुसम वेद बाचे साहेब का सोहनसा सत्संगीरे। वो सच्चा सत्संगी माने वो तत्व ज्ञान का साथी है, सत्य का साथी है, उसने तत्व सत्य को पहचान लिया है, उसने सत्य को ग्रहण कर लिया है, वो सत्य के साथ चल रहा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि जो 25 से लेकर के 31 तक तो वर्णन किया है, कोई ऊपर ने पैर करके, कोई नीचे ने खड़ा हो करके, कोई किसी प्रकार कोई हठ योग करके, कोई प्रणाम करके, कोई श्वास विश्वास की क्रिया को देख करके अपने आप को मोक्ष क्रिया मानता है, साधनाएं करता है, सभी साधनाओं को मोक्षदायक मानकर कर रहा है। लेकिन उस चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में किया है, कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित जो तत्व ज्ञान है, उस सवसम वेद में, उस मुख्य ज्ञान में जो वर्णन किया है वो सब प्रकार का वर्णन है। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा किसी तत्वदर्शी संत से पूछो वो बताएगा। उसी के विषय में बता रहे हैं कि सवसम वेद जो पांचवा वेद है, सवसम वेद बाचे साहेब का पढ़े, उस परमेश्वर का जो सवसम वेद को पढ़े, सोहनसा सत्संगी रे, वो सत्संगी है, वो सच्चे ज्ञान युक्त है। अलंकार अघ अनुरागी दृष्ट मुष्ट नहीं आवे रे, अकह लोक का भेद न जाने चारों वेद के गावे रे। आवे जावे सोहनसा कहिए परमहंस नहीं आया रे, पांच तत् तीनों गुण तूरा यो तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया परमहंस परवाना रे, सतगुर मैली भेद लखाया है सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर कहिए हिलमिल हंसा खेलै रे, दास गरीब देश वो दुर्लभ कोई सच्चा सतगुरु बेल रे। कहते हैं वो सतलोक बहुत दुर्लभ है, लेकिन कोई सच्चा संत सतगुरु, सच्चा संत ही, पूर्ण संत ही उसको, तो आपको वहां सतलोक ले जा सकता है।
ये गुण ख्याल कौन मन पावे, कहाँ आवे कहाँ जावे रे। ज्ञानी गुनी मुनि सब भूले, ये चारों वेद पढ़ावे रे। ज्ञानी गुणी सभी गुणी सब भूले, चारों वेद पढ़ावे रे। अक्सर मैनी अक्सर बोले, सब संवेद को गावे रे। मुसलमान धरनी विच धरिए, हिंदू अग्न जरावे रे। दहू दीन की एक माटी, दूसरा कौन कहावे रे। सालग सिला जगत सब पूजे, अड़सठ तीर्थ नावे रे। गरुड़ पुराण प्राणी सब सुन ही, वो विधि पिंड बहुविध पिंड भरावे रे। अंत कोट चौरासी भटके, जन्म जन्म डकावे रे। राजा प्रजा पशु पखेरी, पखेरू फिर शुक्र समान बनावे रे। पंच अग्नि झरने जल बैठे, धूमर पान झुलावे रे। भंवर गुफा का घाट विखम है, बंक नाल नहीं पावे रे। अगन गगन मंडल में भाटी, सर्व चोखा फूल चवावे रे। परानंदनी कामधेन है, छिन छिन माही दुहावे रे। संखों गुरु गर्द में मिल गए, चेलों को कौन छुटावे रे। ये नकली सांग नकली गुरु कहते, संखों गुरु नरक में गए, इन चेलन कौन छुटावेगा, वो इनके गुरु नरक में जाएंगे। संखों गुरु गर्द में मिल गए, चेलों को कौन छुटावे रे। जामु सदकी में बलिहारी, जो आत्म तत् दर्शावे रे। अवगत सूरत अवगत मूरत, अवचल सूरत सतगुरु अलख लखावे रे। दिल दर्पण दुर्बीन कहा है, दिव चश्मे दर्शावे रे। रसना बिना राग रंग बोरे, सर्वन बिना सुनावे रे। नाभ कमल में दम दरबानी, द्वादश मद समावे रे। लख चौरासी बहोर नभर में, भरम गर्भ तिरास मिटावे रे। ओहम सोहम मध्य में, लहर अलंकार धुन लावे रे। किसी जिस भी संत ने परमात्मा पाया, इन्हीं मंत्रों का संकेत किया, इन्हीं का बिल्कुल दूसरा नहीं। जैसा कल आपको नानक साहब जी के जन्म साखी में भी यही प्रमाण बताया था, उनके ग्रंथ साहब में भी ऐसा ही लिखा है, प्राण संगनी में भी यही संकेत है। परमात्मा हमें यही बताने की चेष्टा करते हैं कि इस काल ने आपको इतना भ्रमित कर दिया है, आपने बहुत समय से एक ऐसे अज्ञान को सुन लिया कि तत्व ज्ञान को सुनकर फटक जाते हो, घबरा जाते हो, सामने प्रमाण देखकर भी मन स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। इसका यही तरीका है, इसकी विधि यही है कि इस ज्ञान को बार बार सुने, और फिर जब ज्ञान आपके कुछ दिन में समझ में आ जाएगा, अपने सत साधना प्रारंभ कर दें। इस ज्ञान उपदेश लेने से पहले प्राणी को चाहिए कि अपने संशय को पूरा निवारण कर ले, और नाम लेने के बाद फिर अगर मगरम नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके नाम लेने के बाद आपको किसी भी प्रकार का जो गुरुदेव के ज्ञान में परमात्मा की विधि में आपके मन में ये आता है, तो वैसे कह रहा ऐसा नहीं हो सकता, तो आपका नाम खंडित हो जाएगा। क्योंकि जब आप गुरु शिष्य के रोल में आ जाओगे, तो फिर आपको ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है। परमात्मा पाने का तरीका है ब्लाइंड फेथ, यानी बिल्कुल पूर्ण विश्वास, अंधविश्वास के फिर गुरुजी जो कहें वो सत्य है, सत्य है। और ऐसे ही परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। लेकिन गुरु बनाने से पहले आपने कौवे से भी ज़्यादा चतुर होना चाहिए। बहुत ध्यान से बार बार सौ सौ बार सत्संग सुने, पूरे विस्तार से सुने, और फिर नाम ले लेना चाहिए। पुण्यात्मा समझदार होते हैं, उनको एक दो सत्संग में पूर्ण पता हो जाता है कि ये संत कितना ज्ञान रखता है। प्रमाण आपके सामने रह रह कर देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि आपका भ्रम दूर हो जाए। और उपदेश लेने के बाद फिर आपके मन में जो दास मुख से शब्द निकाले, हृदय में पक्की जज्जा गुरु जी सत्य कहते हैं, क्योंकि ये प्रमाण के बिना बात करते नहीं, तो फिर आपके मन में ना तो कोई दोष उत्पन्न होगा। और जब तक आप कच्चे पक्के होकर नाम ग्रहण कर भी लोगे, तो आपको बीच बीच में सौ प्रकार की बकवादियाँ आती रहेंगी, जो आपके लिए भक्ति बाधक बनती रहेंगी। दूसरे वो प्राणी आते हैं यहाँ पर जो दुखी हैं, उनको ज्ञान की उनसे कुछ लेना देना नहीं है, उनका वो भी यहीं पर सेट होगा। उनको आते ही परमात्मा सुख देंगे, ऐसे सुख देंगे वो सोच भी नहीं सकता था कि ये सुख भगवान दे देता है वर्तमान में।
फिर वो बेचारे आंख मीच कर बैठ जाएंगे, उनको जो हम बताएंगे वो बिल्कुल सही मानेंगे, गुरुजी जो करे सत्य है। तो पहले इनको सुख देते हैं, फिर कहते हैं तुमने 12 सत्संग कंटिन्यूस अटेंड करना है, हर महीने में एक बार दो बार आ जाते भाग अच्छे। तो उसका हमारा उद्देश्य है कि यहाँ आने से आपको बहुत पुण्य होता है, क्योंकि आप बहुत पुण्यहीन हो चुके हो, जन्म जन्मांतर के अपने पुण्यों को समाप्त करके आपको पुण्यवान बनाने के लिए भी आपको बार बार यहाँ बुलाया जाता है। तो जो दुखी आते हैं उनको आते हैं परमात्मा, जो सच्चे दिल थे, जो बकवादाम आते हैं उनकी सुनवाई होती नहीं, कति समर्पण करते थे परमात्मा आप बिना हमारा कोई नहीं, और हृदय से, क्योंकि परमात्मा आत्मा के साथी हैं, इस मन के नहीं है। तो उनको वैसे सुख देता, फिर वो अपने आप आने लग जाते हैं, एक मैं बहुत सुख हुआ, और गुरु जी का आदेश है कि आना है तो हम आते हैं। आते हैं फिर कुछ दिन में ये ज्ञान को ये विरंगे जाएंगे। गीता जी में लिखा है कि विद्वान पुरुष अविद्वानों को समझाएं, यानी अशिक्षितों को, और अशिक्षित विद्वानों की बातों को सुनकर उस नाम ले लेंगे, वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इसका दुरुपयोग कर लिया उन नकली गुरुओं ने, इस श्रद्धा का, कि श्रद्धालु ब्लाइंड फेथ करते हैं, अंधविश्वास कर लेते हैं, गुरु जो कह रहे हैं सही कहते हैं, इसी का दुरुपयोग करके इन करोड़ों की संख्या में लोगों को भ्रमित कर दिया। श्रद्धालु गुरुजी के पास जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, जैसे पतंगा उड़ करके दीपक के ऊपर जल मरता है, वो वापस नेटता, कि उसका स्वभाव है समर्पण करने का। ऐसे ही ये नादान संतों के पास जाकर भोली श्रद्धालु उन पतंग उन दीपकों के ऊपर लाल समझ कर, चमक देख कर उनको जल मरे, वहां पर अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो इस प्रकार उस समर्पण भाव का, श्रद्धा का इन दुरुपयोग कर लिया इन लोगों ने, और अब भी आपने पुनर्ज्ञान को समझकर फिर ऐसा ही ब्लाइंड फेथ मालिक में करना होगा कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, परमात्मा सतगुरु जो चाहे सो कर सकते हैं परमेश्वर, इसमें अग्रम मग्रम नहीं होनी चाहिए। कबीर साहब की शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, एक ये भगवान है जिसके शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, ये सब कुछ संभव कर सकता है। जौला मौला थल से जल करे और थल से जल जल से थल कर देत, साहेब तेरी साहेबी श्याम कहूं अक्षवेत। ये बहुत विस्तार है, फिर अगले सत्संग में आपको सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं कहूं जो कहनी होए। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जस तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहर न लगता डार। भाई लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे प्राण जांगे छूट। नहीं भरोसा देही का ये विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो और यतन कछु नाही।
श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, न जाने इसे श्वास को हो आवन हो के न हो। पृथ्वी पति चक वे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी सारी सृष्टि के रचनहार ये सृष्टा हैं, सबके पालनहार यही विष्णु हैं और सर्व के रचनहार होने के कारण यही वास्तव में ब्रह्मा है। ब्रह्मा जो इनके काल का पुत्र है ये ब्रह्मा ये भी कहलाता है। जैसे एक मंत्री होता है सेंटर का, एक मंत्री होता है स्टेट का, बहुत अंतर होता है। इसी प्रकार वो परमात्मा के गुणों से ही वेदों से यहाँ अपने पुत्रों के नाम लिखे जाते हैं। वास्तव में विष्णु यानी सर्वव्यापक और सबका पालन करता, सबकी व्यवस्था करने वाला कबीर परमेश्वर ही विष्णु है और वही वास्तव में ब्रह्मा है। शिव का अर्थ होता है मंगलकारी, शिव का अर्थ शक्ति भी होता है। तो वास्तव में परमात्मा कबीर जी के अंदर ही ये सभी उपमाएं विद्यमान हैं। उन्हीं की उपमा से ये नीचे वालों ने अपने पुत्रों के अपने व्यवस्था का एक नाम रखा है। वो कबीर परमेश्वर सबके लिए पूज्य है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 4 में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जावे, उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त कर समझ, उसके पश्चात जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जावे, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस उलझी हुई गुत्थी को काट कर, अर्थात उस तत्व ज्ञान से पूर्ण ज्ञान को समझकर, उसके बाद उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए। जहां जाने के उपरांत साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, वही वास्तव में सबका सृष्टि रचनहार है। और गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं। आज सुबह के सत्संग में पुण्यात्माओं ने सुना था गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 14-15 में, उसमें स्पष्ट किया है कि सब प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ शास्त्र अनुकूल शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से यज्ञ वास्तविक यज्ञ होती है और कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए इस काल से, और ब्रह्म की उत्पत्ति परम सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापक परमात्मा उस परम अक्षर ब्रह्म से, उस ब्रह्म की इस ज्योति निरंजन काल की उत्पत्ति हुई और वो परम अक्षर ब्रह्म ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। सभी धार्मिक अनुष्ठान उसी को इष्ट रूप में मानकर किए जाने चाहिए। जैसा कि आपको सुबह निर्णायक ज्ञान दिया गया था,
अब वो गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं। देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का अब ये श्लोक नंबर 1 से प्रारंभ करें तो अच्छा रहेगा। अथ पंचदशो अध्याय प्रथम मंत्र है ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अयम छंदासी यस्य प्रणानी य तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़ वाला और नीचे ऊपर को जड़ पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ वाला यानी उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ वाला ये ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो संसार रूपी वृक्ष की। ये पूर्ण परमात्मा तो मूल है जड़ है जहां से पूरे पौधे को खुराक आहार मिलता है। और गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ज्ञान दिया कि ऊपर को मूल है नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है ये तीनों गुण रूपी शाखा बस। उसके बाद ये बताया कि जो पूर्ण संत तत्वदर्शी संत होगा इस वृक्ष के पूरे टहनी और डारों को और तने को पूर्ण निर्णायक ज्ञान देगा वो समझ लेना तत्वदर्शी संत है। गीता ज्ञान दाता ने केवल बताया कि ऊपर को जड़ है नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है नथिंग एल्स इतना ज्ञान दिया है। और कहता है मैं इसके विषय में पूर्ण जानकारी नहीं रखता इसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। अब देखिएगा ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु प्राहु अगम छंदासी यस्य प्रणानी य तम वेद स वेदवित। ऊपर को जड़वाला अब इन्हीं का अनुवाद देखते हैं आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले आदि पुरुष परमेश्वर अर्थात ऊपर को जड़ है पुरुष परमेश्वर है। ऊपर को जो जड़ है ये आदि पुरुष परमेश्वर है। ऊपर को आदि पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ और नीचे को अध शाखम नीचे को शाखा तीनों गुण रूपी शाखा ये देखिएगा आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले अध शाखम ये ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले नहीं ये अनुवाद बिल्कुल गलत किया है। यहां देखिए इस दो नंबर अनुवाद में इन्होंने ही अध का अर्थ क्या किया है अध माने नीचे अध माने नीचे तो यहां भी हम अध का अर्थ नीचे शाखा शाखम माने शाखा वाले नीचे को शाखा वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष का विनाशी कहते हैं छंद छंदासी छंद माने विभाग होता है वैसे यहां पर अलग अलग वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं फिर भी इन्हीं के अनुसार पढ़ते हैं उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता जड़ सहित उस तत्व जड़ से लेकर सभी अंगों का जो जानकारी रखता है सवेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है वह तत्वदर्शी संत है। इसका अर्थ ये है ये ज्ञान परमात्मा खुद आए थे तत्वदर्शी रूप संत रूप बनकर क्योंकि वह अपनी महिमा आप ही बताते हैं परमेश्वर की रची हुई सृष्टि को परमेश्वर ही बता सकता है अन्य कोई नहीं बता सकता। इसी कारण से जटिल समस्या बनी रही कोई कुछ कहता रहा कोई कुछ कहता रहा कोई उबाई बकते थे कोई कहते ब्रह्मा सृष्टा है कोई कहते विष्णु सृष्टा है कोई कहते शिवजी सृष्टा है कोई कहते वैसे बने हैं कोई कहता परमाणुओं से बने हैं परमाणु कहाँ से आगे परमाणु का भी तो दाता कोई होगा। तो इस प्रकार परमात्मा की जो कृपा है परमात्मा की महिमा वही जान सकता है अपनी कृपा से ही वो हमें तत्व ज्ञान प्रदान कर जाता है। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि ऊपर को जड़ वाला
नीचे को तीनों गुण रूपी, तीनों नीचे को शाखा वाला, जो इस तत्व, जो इन वृक्ष के पूरे सब अंग बता देगा, मूल सहित बतावेगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कबीर परमेश्वर ने, बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनते हैं, स्वयं ही एक नेक भक्त में जो गुण होने चाहिए भक्त के वास्तविक, वो भी लीला परमात्मा स्वयं ही करते हैं। और एक परम संत और एक परम नागरिक की लीला भी वो परमात्मा स्वयं ही करते हैं, वरिष्ठ नागरिक, श्रेष्ठ नागरिक की, और साथ में परमात्मा भी होते हैं, सतगुरु भी वही होते हैं। अब दूसरे मंत्र में क्या कहा है, अध्याय नंबर 15 का ये मंत्र नंबर 2, अध्यय च ऊर्धम प्रसता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवाला अध्यय च मूलानी अनुसंस्तानी सत्तानी कर्मानुबंधनी मुनिश्लोके। अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुणों रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, जल से बढ़ी हुई, ये जल से बढ़ी हुई नहीं, विषय प्रवाला विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुषादि त्रिक योनि रूप शाखाएं, ये विषय प्रवाला मैंने विषय विकारों की शाखा है, नीचे और ऊपर, सर्वतर नहीं है, नीचे और ऊपर, सर्वतर अर्थ नहीं है इसका, नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली, कर्मानुबंधनी कर्मों में बांधने वाली मूलानी मुख्य कारण जड़ें, अहमता ममता और वासना रूप नहीं, मुख्य कारण है इस कर्मा के अनुसार, कर्मों के अनुसार हमें यहाँ बांधे रखने के लिए भी ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिवजी मुख्य कारण है, और भी नीचे और ऊपर ये व्याप्त हो रही है, सभी लोकों में नहीं है। अब यही बात समझ में नहीं आई क्योंकि इनको ज्ञान तो कुछ था ही नहीं, अनुवादकर्ताओं को केवल संस्कृत जानते थे, इनको कोई ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित थे। ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है और इसमें ये पृथ्वी लोक है, ये पृथ्वी लोक है ये वाला, और ये नीचे पाताल लोक है और ऊपर इससे स्वर्ग लोक है। ये पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा है, इसमें लिखा है कि नीचे पाताल लोक में और ऊपर स्वर्ग लोक में, इन तो तीन लोकों के ऊपर रजगुण ब्रह्मा सतगुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की सत्ता है, एक एक विभाग के मंत्री हैं इन तीन लोकों में, इनकी अपनी राजधानी अलग से है, ऊपर और नीचे फैली हुई, सर्वत्र नहीं है, अनुवादकर्ताओं ने ये गलतियां की हुई हैं, ये अपरिचित थे तत्व ज्ञान से। अब देखिएगा यही अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर, अब हम 3 पढ़ेंगे, 2 आपने पढ़ दिया। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में, यानी मेरे और तेरे डिस्कशन में, मैं तुझे जो गीता का ज्ञान दे रहा हूं इस विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले, अहमता ममता और वासना रूप नहीं, अति दृढ़ मूल वाले, यानी जो मूल रूपी भगवान है सतलोक है, वो तो बिल्कुल सूर्य दृढ़ है, अविनाशी है, और पीपल संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण वैराग रूप शस्त्र द्वारा छित्वा माने काट कर, इसका अर्थ है तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, यानी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात तत्व ज्ञान से समझ कर, उसके पश्चात 4 में उसके पश्चात उस परम पद
रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने ये सृष्टि की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता है उसी के शरण मैं हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इसमें क्या बताया है कि तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। अब ये समझने के लिए, क्योंकि ये गीता ज्ञान है और ये तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान को समझने के लिए जो हमने लोकवेद सुना हुआ वो आड़े अड़ जाता है। हमने ये सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, इनके कोई सृष्टि, इनके कोई जन्मदाता नहीं है, तो इसलिए हमें ये एक बार यदि सीधा बता दिया जाए कि ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी तो शाखा हैं, तो नहीं जस्ती, क्योंकि हम इनको सर्वेश्वर मान चुके हैं, सबके मालिक मान बैठे हैं, हमारी बुद्धि उल्ट फिट हो चुकी है। उसको सेट करने के लिए ये तत्व ज्ञान रूपी जो शस्त्र हैं, हमारे शास्त्र हैं, शस्त्र हैं, इन्हीं का सहयोग लेना पड़ेगा। ये देखिएगा, इसके लिए सिद्ध करने के लिए कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, अपने सदग्रंथों का सहयोग लेंगे। देखिएगा श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग फर्स्ट, प्रथम भाग, अथ श्रीमद देवी भागवतम भाषा टीका टीकम सभाष टीकम समाहतम। प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। अब इसके तीसरे सकंद में आते हैं, अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। ये तीसरा सकंद यहां से प्रारंभ होता है। अब हम इसके प्रश्न नंबर 11 को पढ़कर सुनाएंगे, कुछ आंसर जिसका हमें जिसकी हमें आवश्यकता है। ये प्रश्न 11 है देवी भागवत, ये है अध्याय नंबर 3, और इसमें अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में 7 समाप्त होता है, 8वां प्रारंभ होता है। हिंदी पढ़ेंगे पहले हम। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। शिवजी बोल रहे हैं, शंकर भगवान। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए। युक्त क्यों किए? आगे देखो, फिर पढ़िए हिंदी, 8वां श्लोक प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण। युक्त किए क्या है? अब संस्कृत देखेंगे, क्योंकि हम अक्षर ज्ञान युक्त हैं और लिपि देवनागरी है, संस्कृत को भी पढ़ सकते हैं जोड़ तोड़ लाकर। देखिए ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, ये आपने हिंदी पढ़ा है यहां से, अब ये संस्कृत प्रारंभ होती है। ये 7वां समाप्त होता है, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित तमोगुण। शंकर भगवान कहता है कि मुझे किस प्रकार आपने तमोगुण बना दिया, यदि आप हमारे पर मेहरबान हैं। कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। सुवीत किमो सतोगुण हरि, और सत हरि को विष्णु जी को
सतगुण क्यों बनाया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अभी संसार रूपी वृक्ष को हम समझे कि ऊपर को जड़ वाला जो पूर्ण परमात्मा जड़ है, और तना इसकी ये परब्रह्म है, और एक डार निकलती है वो ब्रह्म है, और डार के आगे तीन शाखा हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, और हम आगे पातरूप संसार है। तो इसमें यह बताया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि यहां जो मैं वर्णन कर रहा हूं मुझे इसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं इसके आदि और अंत से परिचित नहीं हूं। उसके बाद कहा है कि इस तत्व ज्ञान रूपी इसे इस संसार रूपी वृक्ष को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और फिर कहता है कि वो जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की सृष्टि रचना हुई है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, मैं उसी के अधीन हूं। और यही गीता अध्याय नंबर 3 के मंत्र 14-15 में स्पष्ट हुआ है कि ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से हुई है, और वही परम अक्षर ब्रह्म सब यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वही इष्ट रूप में पूज्य है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के कुछ श्लोक आपको पढ़कर सुनाते हैं, जिससे ये तत्व ज्ञान निखरेगा। ये देखिएगा अध्याय नंबर 18 गीता ज्ञानदाता कह रहा है 62 अध्याय नंबर श्लोक नंबर 62 में, हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ठीक हो गया। 18वां अध्याय के लास्ट अंतिम श्लोक चल रहे हैं, 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है और उसके अंतिम श्लोक चल रहे हैं, अंतिम ज्ञान चल रहा है, वार्ता का अंत होने जा रहा है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने तेरे को गीता ज्ञान पूर्ण रूप से समझा दिया, यदि मेरी शरण में रहना है तो तूने तेरी भी जन्म मृत्यु होगी, मेरी भी होगी, आगे सदा होती रहेगी, और पहले भी हम तुम जन्मते मरते रहे, जैसा कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट किया है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। क्या सिद्ध कर दिया कि मैं और तू और ये सभी सामने सैनिक खड़े, ये पहले भी जन्मे थे, वर्तमान में भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये ना सोच के हम पहले ना थे, अब वर्तमान में ही हैं, आगे ना होंगे, हम तेरी मेरी जन्म मृत्यु सदा होती रहेगी। फिर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में स्पष्ट किया है, अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है, यहां इसको यहां अनुवाद किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का भी जन्म मृत्यु होता है, क्योंकि
अर्जुन नहीं जानता, क्यों नहीं जानता, क्योंकि अर्जुन ये सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। आगे देख लो, अध्याय नंबर 9 में कहा है ना, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहा है, हे अर्जुन मेरे जन्म और तेरे, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर दिनों को प्राप्त नहीं होता किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। ये इनका अनुवाद थोड़ा सा उल्ट कर किया हुआ है, फिर भी हमने ये निष्कर्ष लेना है कि इसमें ये कह रहा है कि मेरा जन्म तो होता है लेकिन मेरा जन्म और कर्म दिव्य हैं। आगे देखना, 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये न तो ऋषि लोग जानते न देवता जानते। अध्याय नंबर 10 का और ये श्लोक नंबर 2 यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को अर्थात मेरे जन्म को, लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि गजन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और ऋषियों का आदि कारण हूँ। क्या बता रहे हैं कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा जन्म तो होता है लेकिन ये मेरे से उत्पन्न, जैसे ब्रह्म से उत्पत्त, ब्रह्म और दुर्गा के संयोग से, इन दोनों के पति पत्नी विहार से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे ऋषिजन और देवताओं का जन्म हुआ। तो ये क्या बताता है कि मेरे जन्म को न तो ऋषि लोग जानते न देवता जानते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। पुण्यात्मा बिल्कुल सत्य है कि पिताजी की उत्पत्ति को बच्चे संतान नहीं बता सकती, दादाजी बता सकते हैं। तो दादाजी कौन है, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दो बताए। अब शंकर के दादा के विषय में बताया जाएगा, ब्रह्मा के, ब्रह्मा का पिता, विष्णु की मां, ये सब जानकारी आपको सृष्टि रचना से प्राप्त होगी और सृष्टि रचना के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। जब तक हम सृष्टि रचना के विषय में पूर्ण परिचित नहीं हैं तब तक हम तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान का कोई सिर पैर हम समझ ही नहीं सकेंगे जब तक हम तत्व सृष्टि रचना को नहीं समझ पाएंगे। तो सृष्टि रचना का जानना अति आवश्यक है। तो अब जो प्रसंग थोड़ा सा चल रहा है इसको पूरा करते हैं, 2-3 श्लोक हैं, उसके बाद आपको आगे सत्संग सुनाएंगे। दूसरा अध्याय नंबर 18 आपने अभी 62 श्लोक पढ़ा था, अब 63 पढ़िए। कहते हैं वो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसे चाहता वैसे ही कर। अब क्या बताता है गीता ज्ञानदाता कि ये जो गीता का ज्ञान है ये मैंने तुझे दिया, बता। अब मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ और युद्ध कर। तुझे परम शांति चाहिए, तने युद्ध याद नहीं करना है तो जा उस परमेश्वर की शरण में चला जा, उसके विषय मैं नहीं जानता, किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। मेरी शरण में रहेगा तो न लड़ाई भी करनी पड़ेगी, युद्ध कर और नाम भी जाप कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के जैसे आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में पढ़ा, देखिएगा अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 29, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तंति ये
ये 29वां अध्याय है। ते ब्रह्म तत् विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। ये तत् ब्रह्म देखना, तत् ब्रह्म, ब्रह्म तत् इसका अनुवाद है, जो मेरे शरण और होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे तत् ब्रह्म, ये तत् वो ब्रह्म, वे तत् ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, पूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। या देखिए आठवें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया प्रथम ही मंत्र में कि हे कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण समझता था इसको काल को, क्योंकि श्री कृष्ण में वो काल बोल रहा था, ऊपर से बॉडी श्री कृष्ण की दिखाई देती थी, इसलिए अर्जुन कृष्ण कह रहा था। क्या पूछा, एक पुरुष, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है, वो तत् ब्रह्म कौन है, ये तत् ब्रह्म जो आपने बोला सातवें अध्याय 29वें श्लोक में, इसका तीसरे मंत्र में उत्तर दिया। क्या बताया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब आगे चलिए, अब पांचवें मंत्र से प्रारंभ करते हैं इसको समझने के लिए। गीता ज्ञान दाता कह रहा कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही श्रवण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है, उसमें संशय नहीं है। आगे देखो छठे में क्या बताया है कि अध्याय नंबर 8 का श्लोक 6, इसमें कहा है कि हे कुंती पुत्र, अंत काल में जो मनुष्य, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जो साधक जिस भी इष्ट का उपासक है और वो अंत समय तक, अंतिम श्वास तक उसकी साधना करता हुआ शरीर त्याग जाता है तो उसी को प्राप्त होता है। ब्रह्म का साधक ब्रह्म को प्राप्त होता है, पूर्ण ब्रह्म का साधक पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होता है, ये नियम है, ऐसा नियम बताया है। इसलिए सातवें अध्याय में कहा, आठवें अध्याय के सातवें श्लोक में कहा है कि सब प्रकार से, इसलिए अर्जुन सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब यहां तक गीता ज्ञान दाता ने आठवें अध्याय के तीसरे मंत्र में बता दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है जो पूजा के योग्य है और जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया और उसको सभी आध्यात्मिक कर्म का ज्ञान हो गया और उस तत्व ब्रह्म के विषय में वो परिचित हो गया, वो फिर कभी इस यहाँ की कोई वस्तु की इच्छा नहीं करता, वो केवल जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न ही करता है। अब कहता है कि आठवें अध्याय के पांचवें श्लोक में कहा है कि तू मेरा श्रवण कर, तू अंत काल में मुझको ही श्रवण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, जो पुरुष अंत काल में मुझ में ही श्रवण करता हुआ त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है। वैसे तो ये किसी के सामने आता नहीं, इसका अर्थ गलत किया उन्होंने। भावम, ये देखिए आठवें अध्याय का ये पांचवें मंत्र में कहा है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही श्रवण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह ये स मत भावम, इसका अर्थ है मेरे भाव में भावित रहता है, और ये साक्षात नहीं इसका अर्थ बनता, वह मत भावम मेरे भाव, मेरे ऊपर ही भाविक भावुक बना रहता है, यानी वो मेरे से ही परिचित है, मेरे तक ही उसकी आस्था है, मेरे में आस्था वाला बना रहता है और इसमें संशय नहीं। आगे लिखा है कि छठे में ये प्रमाण दिया है कि कुंती पुत्र ये नियम है, ये नियम है, हे अर्जुन पुत्र यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को भाव श्रवण करता हुआ, भावम भाव को श्रवण करता हुआ शरीर का को त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी में भावित रहता है।
तत्भावा तत्भाव भावित, उस भाव में भावित रहता। अब सातवें में कहा कि इसलिए तू सब समय मेरा निरंतर मेरा श्रवण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह तू मुझको ही प्राप्त होगा। आठवें अध्याय के सात पांचवें और सातवें श्लोक में तो कहा कि तू मेरा श्रवण कर, मुझ में पूरी आस्था रख और युद्ध भी कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा। अब आठ नौ और दस मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके बारे में आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा है, वो उस परमात्मा की भक्ति जो करता है अंत समय में प्राणों को त्याग कर जाता है तो उसी को प्राप्त होता है। अब देखिएगा अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर आठ नौ दस तीन में कंटिन्यूस बताया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो पूजा करता है। अध्याय नंबर आठ श्लोक नंबर आठ से प्रारंभ करेंगे, ये आठ है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के अध्ययन अभ्यास रूप योग से युक्त अध्ययन ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता। अब आ गया स्पष्ट, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि ये नियम है कि अंत समय में जो परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप ध्यान रूपी अभ्यास में युक्त होता है, इसमें ध्यान कोई अर्थ नहीं है, अभ्यास लिखा है। अभ्यास हम बताते हैं नाम बैठत नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे, ये अभ्यास जो करते हैं सिमरण का जो अभ्यास करते हैं श्वास उश्वास का, उससे उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है। वास्तव इसका अर्थ ये है। फिर देखें आठवें अध्याय का आठवां श्लोक आपको सुना रहा हूं। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन अभ्यास रूप योग से, ध्यान के नहीं, परमेश्वर के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी एक ही प्रभु की भक्ति करने वाला निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष, ओह उस परम अक्षर पुरुष अर्थात परम दिव्य परमेश्वर पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब नौवें में फिर देखो, इसमें स्पष्ट लिखा भी है कवियम। अब ये कवियम शब्द जो है ये कबीर देव की तरफ है, कबीर देव। अब देखो जैसे ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद को संधि छेद कर दें, यहां यजु अलग कर दें और दो बिंदी लगा दें या रे लगा के उसके हलंत लगा दें और वेद, और कहीं पर इस यजुर्वेद की महिमा चल रही हो और यजुम लिखा जाए यजुम, तो भी इसी यजुर्वेद की ही महिमा होगी और वहां लिखना होगा यजुर्वेद को जिसने पढ़ा है यजुम, जहां यजुम लिखा होगा उस वो सेंटेंस के आधार पर निर्भर करता है। तो ऐसे ही यहां कवियम शब्द उस परमात्मा की तरफ संकेत है पूर्ण रूप से, लेकिन हम यहां इतना दृढ़ता से नहीं कह सकते क्योंकि अब हम इसी के अनुसार चलेंगे जैसा टीका इन्होंने किया है। हम इस कबीर शब्द को सिद्ध करने के लिए, कबीर परमात्मा का नाम है ये, अलग से हमने एक बहुत बड़ा निर्णायक ज्ञान दिया है वो भी बताएंगे।